गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी की पढ़ाई करेंगे। हमने इंग्लिश की पढ़ाई की, इंग्लिश में हमने क्या पढ़ाई किया था, नेम ऑफ द वेजिटेबल्स। और मैथ्स में हमने क्या पढ़ाई किया, मैथ्स में हमने काउंटिंग पढ़ाई की है और नंबर नेम्स पढ़ाई किया और उन दोनों का एक्टिविटी भी किया है। आज हम लोग हिंदी की पढ़ाई करेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसको किसको कहते हैं, यहाँ पे देखो जो मैंने ऊपर लिखा है, अ आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ री ए ए ओ अ अंग आहा, इसको स्वर वर्ण कहते हैं। और बाकी नीचे मैंने जितना लिखा है क ख ग घ से लेके अक्षर ज्ञ श्र तक, इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। सबसे पहले ये रफ पेज और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों पूरा लिखना है इस तरह से, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इस तरह से बिल्कुल। और आपको डेट और डे दोनों मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डेट और डे दोनों मेंशन किया है, वैसे आपको डेट भी मेंशन करना है और डे भी मेंशन करना है, और उसके बाद ये अपना सारा वर्क आपको फिनिश करना है, ठीक है। इस पेज में आपको क्या करना है, नॉर्मली आप लोगों ने ओरल वर्क किया है, और से अनार आ से आम, अभी आपको क्या करना है, पेज आपको पलटना है और फिर इस तरह से लिखना है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईक, उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, उ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह कुछ नहीं खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ा, अंग से कुछ नहीं। उसी तरह आपको अक्षर त्र ज्ञान श्र तक पूरा फिनिश करना है इस तरह से लिख के, और आपको ये काम देख देख के करना है, क्योंकि ये बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया है आपको, क्योंकि अभी आप लोग को बड़ी ई छोटी ई छोटा ऊ का सिंबल लिखने के लिए नहीं आता है। जब वो मैं पढ़ाऊंगी फिर मैं आप लोगों को वो खुद से लिखवाऊंगी। तो अभी आप लोग इस तरह से देख देख के बुक से या कोई आपके पास कैलेंडर होगा उससे आप देख देख के कर सकते हो, या फिर जो मैं इस तरह से शो कर रही हूँ ऐसे भी आप देख के इसे लिख सकते हो, ओके। तो आज का आपको यही दो वर्ड करना है। पहला वर्ड क्या करना है, आपको स्वर वर्ण लिखना है पहले पेज में, और व्यंजन वर्ण लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद पेज पलटना है, और उसके बाद अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, वो इस तरह से लिखना, और बोल बोल के लिखना है। हिंदी में आप जितना उसको उच्चारण करोगे उतना ज्यादा आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, इसीलिए आपको ये बोल बोल के लिखना है। और क्या करना है, स्वर वर्ण लिखना है, उसके बाद व्यंजन वर्ण लिखना है, और उसके बाद उससे क्या होता है वो लिखना है, सिर्फ एक एक लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, दो तीन नहीं लिखना है, एक लिखना है, अ से अनार, आ से आम, बस इस तरह से ही लिखना है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे राइटिंग में लिखना है, ये देखो स्लोली स्लोली लिखो, अच्छे से लिखो, कोई जरूरी नहीं है एक दिन में ही पूरा कर लो, आप पहले अ से लेकर री तक फिर एक घंटे में कर लो, उसके बाद शाम में फिर थोड़ा सा और कर लो, आहा तक कर लो, उसके बाद का ख ग अंग तक कर लो, इस तरह से आप लोग धीरे धीरे ये सब करना स्टार्ट करो हिंदी का, क्योंकि हिंदी लिखने में आप लोगों को थोड़ी सी थोड़ा सा स्लो रहते हो आप लोग, इसीलिए हिंदी की पढ़ाई आपको करनी और बोल बोल के करना, आप लोग तो जल्दी सीखोगे। आप लोगों को रिवीजन करवा रही, ये मैं क्या करवा रही हूँ आपको, रिवीजन, ये जो आपने एलकेजी में पढ़ा है वो मैं रिवाइज करवा रही हूँ इस पेज में, और ये आपको ताकि आपको लिखने की हैबिट हो, छोटे छोटे वर्ड लिखने की हैबिट हो, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ओके। ज्यादा होगा तो दो दिन में आप इसे डिवाइड करके कर सकते हो, ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, आराम से काम कीजिए, और खेलते कूदते नहीं रहना, पढ़ाई करना भी है, खेलना भी है, टीवी भी देखना है, और साथ में पढ़ाई भी करना है, ओरल वर्क भी करना है एंड रिटन वर्क भी करना है, ओके। और मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, स्मार्ट हो, और और ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, अब आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, रिटन वर्क भी करना है, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।